और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां अमृतसर में धार्मिक डेरे में विस्फोट हुआ है। इस धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर है। धमाका अमृतसर के नजदीक अजनाला कस्बे में निरंकारी समागम के दौरान हुआ। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मौके पर मौजूद है। मोहित हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मोहित, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कौन है इस विस्फोट के पीछे? देखिए, ये आपसे थोड़ी देर पहले की खबर है। अमृतसर के राजा सासी रोड पर अजनाला के नजदीक ये एक धार्मिक स्थल है, जहां पर हर रविवार को लोग इकट्ठे होते हैं और नाम जाप करते हैं। निरंकारी वहां पर जो समागम है वो होता है, और वहां पर बताया जा रहा है चश्मदीदों के मुताबिक कि 2 लड़के बाइक पर आए और उन दोनों लड़कों के पास कुछ विस्फोटक था, बम जैसी कोई चीज थी। उन्होंने जो भीड़ वहां पर बैठी थी, जो नाम जाप कर रही थी, उस समागम के स्थल पर ये विस्फोटक फेंका, जिसके बाद वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के अंदर 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 8 से ज्यादा लोग घायल हैं। और जो चश्मदीद है उनके मुताबिक ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और विस्फोट जो हुआ वो काफी जोरदार था। पहले ये माना गया कि वहां पर जो खाना बन रहा है उसके किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने साफ किया है कि ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, कहीं ना कहीं ये एक टेरर अटैक था। सोची समझी साजिश के तहत 2 बाइक सवार लड़कों ने इस धमाके को वहां पर अंजाम दिया है। मोहित, जैसा आपने बताया कि 2 शख्स वहां बाइक पर आए और उन्होंने कुछ विस्फोट फेंका, तो जहां पर ये हंगामा हुआ, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पता लगाया जा सके कि वो कौन थे दोनों लोग? देखिए, जहां पर ये समागम होता है वहां की तमाम जो जिम्मेदारी होती है वो खुद जो निरंकारी जो संगठन है, जो उनका जो समागम में जो लोग होते हैं वो उनके अपने ही लोग होते हैं, वो ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा और दूसरे जो इंतजाम है वो खुद ही वो वहां पर संभालते हैं। ऐसे में उनके वहां पर अपने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती अभी जांच का विषय है, तो इसी वजह से अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है और जो वहां पर निरंकारी समागम से जुड़े लोग हैं उनसे भी जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही है। मोहित, जैसा कि अभी खबरों में भी है कि जाकिर मूसा को वहां पंजाब में देखा गया और अलर्ट जारी किया और उसके बाद ये धमाका हुआ है, तो क्या इसको टेररिस्ट एंगल से देखा जा सकता है इस धमाके को? जी बिल्कुल। देखिए, पंजाब में अगर हम 72 घंटे की बात करें तो अलग अलग तरह के 5 से ज्यादा टेरर अलर्ट वहां पर इनपुट मिले थे पंजाब पुलिस को, इंटेलिजेंस ने दिए थे और बताया था कि पंजाब में जाकिर मूसा को देखे जाने का की भी आशंका जताई गई थी और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के 6 से 7 आतंकियों के होने की बात कही गई थी, आरएसएस की शाखाओं पर हमले की बात कही गई थी। लेकिन किसी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो दूसरे पंजाब के जो धार्मिक डेरे हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहां पर हर रविवार को इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। और फिलहाल इस पूरे धमाके के पीछे जहाँ एक और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के पंजाब में होने की जानकारी है, तो वहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो खालिस्तान स्पोर्टिंग जो टेरर ग्रुप्स हैं उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो 2 बाइक सवार लड़के थे वो लोकल वहां पर हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया हो आईएसआई की तरफ से। ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं वहां पर पंजाब में हो चुकी हैं जहां पर जो कश्मीरी युवकों और स्थानीय युवकों जो खालिस्तान समर्थक युवक हैं उनको बरगला कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी मोहित, आपने बताया कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, तो जहां पर यह धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था कितने लोग मौजूद थे? देखिए, आमतौर पे जो वो धार्मिक स्थल है वहां पर करीब 2 से 2500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं रविवार के दिन, और जो आज की हम बात करें तो आज भी वहां पर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और इंटेंसिटी जो धमाके की थी वो काफी ज्यादा थी। हालांकि जो बाइक सवार लड़के थे वो बिल्कुल बीच में भीड़ के अंदर जो विस्फोटक था उसको फेंकने में कामयाब नहीं हो सके, उन्होंने बिल्कुल साइड पे बाउंड्री वॉल के पास ही ये फेंका। इसी वजह से जो लोग चपेट में आए उनका नंबर अभी थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। अगर वो बीचों बीच भीड़ में अगर ये विस्फोटक गिराने में कामयाब हो जाते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से खास बातचीत देखिए कल शाम 7 बजे।